हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर 6 की विविध प्रश्नमाला में 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। आपको फलन एफ एक्स दिया हुआ है, मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री का मापांक जब एक्स इक्वल वन, एक्स ग्रेटर देन वन। एक्स या तो वन के इक्वल है फिर ग्रेटर है, तब आपको फंक्शन ही रहना है। सेकेंड फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स बाई टू प्लस 13/4 इफ एक्स लेस देन वन, जब एक्स वन से क्या छोटा है। हमें चेक करना है कि बिंदु एक्स बराबर एक व तीन पर ये सांतत्य है या नहीं है, संतत है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात यह है कि हमें इस मोड जो फंक्शन है, ये जो मापांक के फलन है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान से देखना। देखिए मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स माइनस थ्री। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, देखिए जब हम माइनस साइन लेंगे, आप ये बताइए ये मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री है, एक्स माइनस थ्री का मापांक है, किस बिंदु पर टूटेगा। तो इस मापांक के अंदर कितना है, एक्स माइनस थ्री है, इसके बराबर हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई, इसका मतलब ये बिंदु तीन पर टूटेगा। तो जो माइनस साइन है, जब माइनस लेंगे हम, तो ये एक्स माइनस थ्री, इसको लिखेंगे हम थ्री माइनस एक्स। जब माइनस लेंगे तो माइनस एक्स माइनस थ्री, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, थ्री माइनस एक्स हो जाएगा। कब, जब माइनस ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक्स छोटा है उससे तीन से, इसकी कंडीशन होगी एक्स लेस देन थ्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेंगे हम प्लस साइन, प्लस साइन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री ऐसा कैसा, और ये कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल थ्री। ओके स्टूडेंट्स, आपको मापांक के फलन तोड़ना मैंने आपको पहले सिखा दिया था। अब देखिए ध्यान से, अब हम इस फंक्शन को सही रूप में लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अतः फंक्शन एफ एक्स, देखिए सबसे पहले लेते हैं हम बिंदु एक और तीन पर निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स लेस देन पहले वन, एक्स लेस देन वन। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या लेंगे, एक्स का मान एक से छोटा फंक्शन ले लिया, फिर क्या होगा, एक्स का मान बड़ा एक से या फिर इसके बराबर, लेकिन छोटा किससे, तीन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लो एक्स ग्रेटर देन वन इक्वल वन, और लेस देन किससे, तीन से। और जो लास्ट कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल थ्री। ये आपके पास में थ्री अंतराल बन गए, तीन आपके पास में अंतराल बन गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स का मान छोटा एक से है तो फंक्शन ये है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स अपॉन टू प्लस 13/4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब एक्स का मान एक से बड़ा या बराबर या फिर तीन से छोटा, तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी है। देखिए ध्यान से, आप एक्स का मान एक से बड़ा या एक्स का मान एक से बड़ा है इसके बराबर, तो x माइनस तीन का मापांक है, जब बड़ा चिन्ह है तो मान किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो इसका मतलब क्या लेंगे हम यहां पर, प्लस का आएगा, लेकिन छोटा किससे, तीन से, छोटा किससे, तीन से। तो x लेस देन थ्री है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, थ्री माइनस एक्स। तो ये हो गया थ्री माइनस एक्स, माइनस साइन के साथ। और एक्स ग्रेटर देन इक्वल थ्री पर कितना होगा, एक्स माइनस थ्री। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, बिल्कुल आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमें बिंदु x और x बराबर एक व तीन पर हमें इसके सांतत्य का परीक्षण करना है कि ये संतत है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, तो हम पहले देखते हैं बिंदु x बराबर एक पर। तो देखिए बिंदु x बराबर एक पर सांतत्य परीक्षण कि संतत है या नहीं है। तो देखिए बिंदु x बराबर एक पर, स्टूडेंट्स आप बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी x बराबर एक पर। तो x बराबर एक कहां है, तो ये रहा x बराबर एक, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, थ्री माइनस एक्स। तो देखिए किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर ये है, तो x की जगह क्या रखेंगे, वन रखेंगे। तो ये हो गया एफ वन, तो ये होगा थ्री माइनस एक्स की जगह वन, कितना गया, एक्स बराबर एक पर फंक्शन की वैल्यू
कितनी आ गई, दो आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, एल एच एल बिंदु x बराबर किस पर, a पर, बिंदु x बराबर a पर फलन की बाई सीमा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो। ओके स्टूडेंट्स, और इसको लिख देंगे हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां पर माइनस साइन आएगा और ये आ गया वन माइनस एच। स्टूडेंट्स x बराबर एक पर बाई सीमा लिख सकते हैं एफ वन माइनस जीरो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा वन माइनस एच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखना, इसको यहां कर देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। बताइए वन माइनस एच एक एक्स की वैल्यू है, इसको बाया फलन में एक्स की जगह रखेंगे, तो बाया फलन एक्स बराबर एक पर कौन सा था, बाया फलन। तो बाया फलन कब होगा, जब एक्स उस एक से छोटा है, बाएं में छोटा वैल्यू होना चाहिए एक्स की, एक्स लेस देन वन, तो बाया फलन का मान ये है। तो यहां जहां भी एक्स है वहां पर रखेंगे वन माइनस एच, तो रखिए वन माइनस एच का स्क्वायर अपॉन फोर प्लस थ्री इन ब्रैकेट वन माइनस एच अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हम ये एच टेंड्स टू जीरो इसके साथ लेते हैं, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है क्या, अनिर्धारित रूप बनेगा क्या, एच का मान यहां जीरो करने से क्या ये मान बटा ये मान जीरो बाई जीरो रूप बनेगा या अनंत बाई अनंत रूप बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम यहां पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, या आप इसका स्क्वायर ओपन करके बाद, इसका स्क्वायर खोलने के बाद भी आप लिमिट का मान रख सकते हैं, तो भी सही है, मैं डायरेक्ट रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा वन माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन फोर थ्री वन माइनस जीरो अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, वन माइनस जीरो वन, वन का स्क्वायर वन, वन बाई फोर प्लस थ्री वन जा थ्री, थ्री बाई टू प्लस थर्टीन बाई फोर। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम कितना आ गया, फोर आ गया, तो फोर से फोर कैंसिल होता कितना, वन प्लस टू का डिवाइड इसमें किया, बताओ कितना आएगा, इसमें करो टू का, तो ये आएगा स्टूडेंट्स अब ध्यान से माइनस भी है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर साइन माइनस, और स्टूडेंट्स यहाँ भी क्या है माइनस है। तो देखिए टू टू या फोर, और टू को थ्री से करेंगे कितना आएगा सिक्स, यहाँ पर आएगा माइनस सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, प्लस फोर से फोर कैंसिल कितना थर्टीन आ गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, थर्टीन प्लस वन फोर्टीन, फोर्टीन में से सिक्स गए तो एट, तो ये हो गया एट बाई फोर, तो फोर टू जे कितना होता है एट होता है। इसका मतलब बिंदु एक्स बराबर एक पर इसकी बाईं सीमा का मान कितना आ गया, टू आ गया। तो स्टूडेंट्स आप क्या निकालेंगे, दाईं सीमा, आर एच एल, आर एच एल बिंदु एक्स बराबर किस पर, ए पर। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको क्या लिखेंगे, वन प्लस जीरो फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां पर प्लस साइन आएगा और वन प्लस एच आ गया। ओके स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां पर वन प्लस एच एक दाएं एक्स का काम कर रहा है, इसको रखेंगे दाएं फलन में, दाएं फलन कब होगा, जब एक्स उस एक से बड़ा है, तो एक्स बड़ा है एक से, तो सही फंक्शन के रूप में कौन सी वैल्यू थी, सही फंक्शन ये था। तो देखिए x बड़ा है एक से, x बड़ा है एक से, तो बेटा फंक्शन कितना है, थ्री माइनस एक्स है, तो देखिए थ्री ऐसा कैसा माइनस वन प्लस एच को रखेंगे इस x किस गए, तो ये वन प्लस एच। स्टूडेंट्स अब आपको इस फंक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, आप इस फंक्शन को देखिए, क्योंकि इस फंक्शन से आपने ये फंक्शन बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखना लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखिए इसको अब अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री वन माइनस एच, माइनस को अंदर करेंगे तो वन प्लस एच, वन माइनस एच हो गया। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखिए थ्री थ्री माइनस वन कितना हो गया टू, टू माइनस एच लिमिट रखेंगे तो टू माइनस जीरो, टू माइनस जीरो इसको कितना आ गया, टू आ गया। ओके स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए, इतना क्लियर। इस क्या हुआ कि बिंदु x बराबर एक पर बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों क्या आगे बराबर आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि f वन
एफ वन माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ वन प्लस जीरो, और तीनों कंडीशन की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई, कितनी आ गई, टू। स्टूडेंट्स इसलिए कह सकते हैं कि बिंदु x बराबर एक पर फलन क्या है, संतत है, तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु x बराबर एक पर फलन संतत है, अतः बिंदु x बराबर एक पर, x बराबर एक पर फलन क्या है, संतत है। ओके स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम निकालेंगे बिंदु x बराबर तीन पर संतत का परीक्षण, हमने एक पर तो निकाल लिया, अब देखिए स्टूडेंट्स किस पर निकालेंगे, हम तीन पर निकालते हैं, तो देखिए इसको रफ कर देते हैं, बिंदु x बराबर एक पर हमने जो चेक किया है, अब निकालना है x बराबर किस पर, तीन पर, तो देखिए स्टूडेंट्स देखिए ये फंक्शन हमें चाहिएगा इसलिए इसको ऐसा कैसा रख लेते हैं, तो देखिए बिंदु x बराबर तीन पर सांतत्य परीक्षण। ओके स्टूडेंट्स देखना बिंदु x बराबर तीन पर, बताओ f तीन x बराबर तीन पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x बराबर तीन पर किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, तो देखिए स्टूडेंट्स कहां पर है, ये रहा x बराबर तीन पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x माइनस थ्री, तो एफ एक्स के बराबर, तो यहां थ्री रखिए तो यहां भी थ्री आएगा, तो ये हो गया थ्री माइनस थ्री कितना, जीरो। ओके स्टूडेंट्स अब क्या निकालेंगे इसका, एल एच एल, एल एच एल बिंदु x बराबर तीन पर, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसको, f वन प्लस जीरो, फिर लिमिट h टेंस टू जीरो, थ्री पर निकाल रहे हैं तो थ्री प्लस जीरो, ये हो गया f एल एच एल, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा थ्री माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए इसको यहां पर कर देते हैं आगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखिए x का काम यहां पर कर रहा है तीन माइनस एच, इसको रखेंगे बाय फलन में, तो x बाय फलन कहां है, जब x का मान छोटा है तीन से तब बाय फलन होगा, तो बाय फलन कहां पे है, x लेस देन थ्री, बाय फलन का मान ये है, तो यहां इस x की जगह रखेंगे तीन माइनस एच, तो रखिए स्टूडेंट्स तीन ऐसा कैसा माइनस, इस x की जगह रखेंगे तीन माइनस एच, तो तीन माइनस एच, तो देखिए स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो क्या होगा तीन माइनस तीन प्लस एच, एच से एच कैंसिल, तीन से तीन कैंसिल हो गया, और स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पर एच, और इसका मान कितना गया, जीरो आ गया। इट मींस क्या हुआ कि x बराबर तीन पर बाई सीमा का मान कितना गया स्टूडेंट्स, जीरो आ गया। ओके अब निकालेंगे इसकी दाई सीमा, आर एच एल बिंदु x बराबर तीन पर, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको क्या लिखेंगे हम, तीन प्लस जीरो दाएं में प्लस और बाएं में माइनस, तो लिमिट h टेंस टू जीरो यहां पर प्लस, ये हो गया थ्री प्लस एच, तो देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो यहां पर थ्री प्लस एच एक x का काम कर रहे हैं, और इस x को रखेंगे दाएं फलन में x की जगह, और दाएं फलन का मान काम कौन कर रहा है, दाएं फलन का मान तभी करेगा जब x ग्रेटर है उस तीन से, थ्री से, तो x ग्रेटर देन थ्री दाएं फलन का मान ये है, तो यहां इस x की जगह रखेंगे थ्री प्लस एच, तो देखिए थ्री प्लस एच, और पहले से ऑलरेडी माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री से प्लस थ्री कैंसिल आउट, तो यू नो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या बच गया, एच हो गया, और जब लिमिट इसमें पुट करेंगे तो एच कितना, जीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स देखिए चूंकि एफ तीन, एफ तीन माइनस जीरो, एफ तीन प्लस जीरो, तीनों वैल्यू किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिंदु x बराबर तीन पर फलन क्या है, संतत है, अतः बिंदु x बराबर तीन पर
फलन संतत। ओके स्टूडेंट्स, कितने समझ में आ गया? यह आपको क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था लेकिन वेरी सिंपल। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, बेसिक कंसेप्ट अच्छे से कवर होने चाहिए। लिमिट कहां पुट करनी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है, एन इधर रूप कौन सा है, मतलब समझ रहे हो आप? तो देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 16। फलन एफ एक्स, देखिए आपको फलन एफ एक्स दिया हुआ है साइन ए प्लस वन, साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये कंडीशन दे रखी है कब, जब एक्स लेस देन जीरो। और स्टूडेंट्स आपको फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है सी, फंक्शन की वैल्यू आपको सी दे रखी है जब एक्स इज इक्वल टू कितना है, फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है जीरो दे रखी है। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन में बाय मिस्टेक है हो सकती है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेना। स्टूडेंट्स ये सी दे रखा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रूट एक्स, बी एक्स और रूट एक्स, ये कंडीशन होगी एक्स ग्रेटर देन जीरो पर। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, साइन ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स सी, बस थर्ड फंक्शन दे रखा है रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो पर। तो क्या चेक करना है, एक्स बराबर जीरो पर यह संतत है। स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है वो एक्स बराबर जीरो पर क्या संतत है, तो हमें यहां पर जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ए बी और सी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना क्या लिखेंगे। चूंकि फलन एफ बिंदु एक्स बराबर जीरो पर संतत है, एक्स बराबर जीरो पर संतत है, इसलिए क्या होगा, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, जीरो पर बाईं सीमा और जीरो पर दाईं सीमा, तीनों कंडीशन क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर एक। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए बिंदु एक्स बराबर जीरो पर बताइए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो ये रहा, इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है सी है। ओके स्टूडेंट्स तो देखिए सी, इतना क्लियर हो गया, एक्स बराबर जीरो पर जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या है सी है। अब लेंगे हम एलएचएल बिंदु एक्स बराबर जीरो पर, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, जीरो माइनस जीरो होगा। जब लिमिट पुट करेंगे यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर माइनस होगा तो यहां पर हो जाएगा जीरो माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। बताइए यहां पर जीरो माइनस एच एक एक्स का काम कर रहा है और इस एक्स के मान को बाएं फलन में एक्स की जगह रखेंगे, बाएं फलन का मतलब जहां एक्स लेस देन जीरो है, तो यही बाएं फलन है। तो देखिए साइन ऐसा कैसा ए प्लस वन, इस एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस एच, माइनस एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन में कितना है एक्स है, एक्स की जगह क्या आएगा माइनस एच आएगा। ओके स्टूडेंट्स तो अब ध्यान से देखना लिमिट एच टेंस टू जीरो। स्टूडेंट्स अब ये बताना ये जो ए प्लस वन इंटू माइनस एच है ये साइन का थीटा है, तो साइन माइनस थीटा तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका ये माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे यहां से भी माइनस बाहर आएगा और इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस वन इंटू एच प्लस साइन एच
अपॉन एच। स्टूडेंट्स कैसे, जब ये माइनस बाहर यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन लिया, उस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो सारे मान प्लस के हो गए। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से, लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए तो अब इसको कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, साइन ए प्लस वन एच अपॉन एच प्लस साइन एच अपॉन एच। ओके स्टूडेंट्स, ये एच इसके डिवाइड में भी और ये एच इसके डिवाइड में भी है। अब स्टूडेंट्स आपको देखने से लग रहा है कि हम जानते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, लेकिन यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा है, ए प्लस वन इंटू एच, तो यहां भी क्या होना चाहिए, ए प्लस वन इंटू एच होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस वन इंटू एच, यहां पर एच है, अपॉन में हमने क्या कर दिया, ए प्लस वन एच से हर में गुणा कर दिया, ए प्लस वन से, स्टूडेंट्स ए प्लस वन से हमने हर में गुणा किया तो अंश में भी हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये सुनो, और ये हो गया साइन एच बटा एच। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से, जब लिमिट एच टेंस टू जीरो जब यहां पर पुट अप होगी, जब लगेगी तो साइन एक्स बटा एक्स और एच टेंस टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू वन होती है, तो वन इंटू ए प्लस वन, और बताइए लिमिट एच टेंस टू जीरो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। आपको बता रखा है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स, आपको बता रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स की वैल्यू वन होती है, तो यहां पर ये वैल्यू पुट अप हो गई। अब देखिए ए प्लस वन को ए से एक से करेंगे तो ए प्लस वन, तो ये आ गया ए प्लस टू। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये आ गया, हमारे पास में जो बाई सीमा का मान जो आ गया वो कितना आ गया, ए प्लस टू आ गया। ओके स्टूडेंट्स अब निकालेंगे हम दाई सीमा, तो देखिए आर एच एल बिंदु एक्स बराबर जीरो पर, तो देखिए स्टूडेंट्स जीरो प्लस जीरो ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर होगा जीरो प्लस एच। ओके स्टूडेंट्स क्या निकाल रहे हैं, दाई सीमा निकाल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से आप, लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा है, जीरो प्लस एच कर रहा है, इसको रखेंगे दाएं फलन में, दाएं फलन का मतलब एक्स बड़ा है जीरो से, तो दाएं फलन ये है, जहां भी एक्स है वहां पर क्या रख देंगे प्लस एच। तो देखिए एच प्लस बी एक्स स्क्वायर मतलब बी एच स्क्वायर माइनस एक्स की जगह एच अपॉन बी एच और ये रूट एच। ओके स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया, अब देखिए ध्यान से आप, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर देते हैं कि इसकी अब जरूरत नहीं है, ताकि हम इसको ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, वेरी सिंपल है, आप अच्छे समझ रहे हैं इसको, देखना लिमिट एच टेंस टू जीरो, स्टूडेंट्स आप ये बताइए इसमें से कॉमन क्या रहा है, इसमें से एच कॉमन ले सकते हैं, जब इसमें से एच कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा रूट एच, क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो एच कॉमन लिया तो बाहर हो गया रूट एच इन ब्रैकेट, यहां पर वन हो गया, इन रूट के अंदर लिख लो वन प्लस बी एच। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इसमें से एच कॉमन लिया तो ये तो वन हो गया, ये एच कॉमन लिया तो बाहर रूट एच हो गया ना, तो ये तो वन, और यहां एक एच की पावर कम होगी तो वन प्लस बी एच हो गया, माइनस अंडर रूट एच अपॉन बी एच अंडर रूट एच। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, बताइए इस पूरे मान में कॉमन क्या है, रूट एच कॉमन है, अब उस रूट एच से रूट एच कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया वन प्लस बी एच वन प्लस बी एच बच गया माइनस वन अपॉन रूट एच कैंसिल, क्या बच गया बी एच बच गया। ओके स्टूडेंट्स यहां तक कोई प्रॉब्लम, और देखिए ध्यान से आप, लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए वन प्लस बी एच को हम लिख सकते हैं वन प्लस बी एच की पावर हाफ, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ होता है, माइनस वन अपॉन बी एच। ओके स्टूडेंट्स
अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर एन, और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स की पावर एन का द्विपद प्रसार, ये सुनो हाँ, 1 प्लस एक्स का काम यहां पर कौन कर रहा है, बीएच कर रहा है, और एन का मतलब 1/2 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार द्विपद प्रसार क्या होता है, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस ... आगे हमारे से चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, जब प्रसार करते हैं, जब लिमिट का क्वेश्चन हो, लिमिट का क्वेश्चन हो, तो आपको प्रसार ओनली 2 टर्म तक कर लेना, 2 टर्म तक बहुत होता है, पहला पद और दूसरा पद, तो इसका प्रसार क्या होगा, 1 है तो 1, लिमिट लगाओ पहले आप, लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्स का काम बी एच कर रहे हैं और एन का काम 1/2 कर रहे हैं, तो 1 है तो 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये जो पावर है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, बी एच बाई 2, मतलब 1/2 बी एच। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए, इतना क्लियर है, आगे चलो, आगे क्या आएगा, आगे क्या होगा, एच की उसमें घाती आई, यहां पर एन की जगह 1/2 रखेंगे, यहां 1/2, यहां पर क्या होगा, बी एच का होल स्क्वायर, तो इसको छोड़ दीजिए, लास्ट में कितना है, -1/BH। ओके स्टूडेंट्स, +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, इसको रफ कर देते हैं, देखिए तो क्या बच गया, लिमिट एच टेंस टू 0 1/2 BH प्लस एच की उच्चतम घाते हैं, एच की उच्च घाते हैं, ये सुनो, यहां पर एच स्क्वायर भी आएगा, एच क्यूब भी आ सकता है, ये सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच की पावर 4, एच की पावर 6 वगैरह आ सकता है, अपॉन में कितना है, बी एच है, अब बी एच का बाजू इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, बी एच सी बी एच कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 और प्लस बाकी का मान क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, क्यों बेटा, बी एच तो इसमें से बी एच को मान लेंगे, ये सुनो, तो फिर बी एच कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1/2 आएगा, बाकी में एच की पावर आएगी, तो एच जहां भी एच होगा वहां पर क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो सारा मान 0 हो गया, इसकी इसका मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए, अच्छा समीकरण किससे, एक से, देखिए अतः समीकरण एक से, बताओ समीकरण एक क्या था, एस 0 का मान कितना है, फंक्शन पर 0 की वैल्यू कितनी थी, सी। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए इसकी बाई सीमा का मान कितना आ गया, आपने जो बाई सीमा निकाला है उसका मान कितना है स्टूडेंट्स, a+2 आ गया, और दाई सीमा का मान आ गया 1/2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हम पहले a का मान निकाल लेते हैं, तो देखिए कैसे कैसे निकालते का मान, तो ध्यान से सुनना, ए का मान यहां से कितना आएगा, चूंकि a+2 = 1/2, तो a = 1/2 - 2, तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, a की वैल्यू आ गई -3/2 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, a का मान कितना आ गया, माइनस का 3/2 आ गया, चलो इतना क्लियर है। अब c का मान निकाल लेते हैं, तो देखिए ऐसे ही, चूंकि c बराबर कितना है, a+2 है, c a की वैल्यू कितनी है, -3/2 + 2, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 = 4, 2 2 = 4 हो गया, 4 में -3 गया तो 1/2। ओके फ्रेंड्स, अब बताओ b का मान कैसे निकालोगे, यहां तो तीन चर पद थे, a b c, b का मान क्या होगा, जब ये फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, तो मतलब b का मान भी कोई फिक्स राशि है, ये सुनो, अब b का मान यहां से तो निकल नहीं रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, तथा b belongs to R, मतलब b होगा लेकिन एक क्या होगी, वो वास्तविक संख्या होगी, ये सुनो, तो लास्ट में क्या हो गया, तो ध्यान सुनना, अतः a = -3/2, b belongs to R और c = 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने वैल्यू निकाल ली ए बी और सी की, समझ गए इतना अच्छे से आप,
इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं लेकिन सिंपल है और आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है इसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। आपको दिया हुआ है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स मोड ऑफ पी एक्स माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर। चेक करना है कि बिंदु एक्स बराबर 4/3 पर संतत है या नहीं है, सांतत्य का परीक्षण करना है। बिंदु एक्स बराबर 4/3 पर सांतत्य परीक्षण, सांतत्य परीक्षण। ओके स्टूडेंट्स तो देखिए ध्यान से, आप भी जानते हैं कि वही मापांक के फलन है तो ये माइनस और प्लस में टूटेगा, उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इससे भी सिंपल है क्या, आप डायरेक्ट मान निकाल लेते। कैसे? तो सुनना ध्यान से, आप यहीं से करते हैं इसका सॉल्यूशन सभी में। देखिए बिंदु एक्स बराबर 4/3 पर मान निकालना है, तो देखिए स्टूडेंट्स एल एच एल बिंदु किस पर, बिंदु एक्स बराबर 4/3 पर। स्टूडेंट्स बिंदु एक्स बराबर 4/3 पर बाईं सीमा, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 4/3 माइनस जीरो। ओके क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पर माइनस एफ आएगा और 4/3 माइनस में एच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एक्स का मान, इस एक्स के मान को यहां पर एक्स किसके रखेंगे फलन में, तो थ्री, तो मापांक लगा दिया 3 × ब्रैकेट में कितना है 4/3 माइनस एच। ओके और माइनस फोर फिर कंप्लीट का मापांक अपॉन 3 वापस 4/3 माइनस एच और माइनस कितने 4 हो गए। ओके स्टूडेंट्स तो देखना ध्यान से, आप लिमिट एच टेंस टू जीरो देखना क्या, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मापांक के अंदर कितना आएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 3 को एच से करेंगे तो माइनस का 3h माइनस के 4 अपॉन, ऐसे ये हो जाएगा 4 माइनस 3h माइनस 4, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, यहां भी कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 3h अपॉन प्लस 3h, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0 जब, देखिए माइनस 3h जब मापांक से बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस 3h हो जाएगा। ये सुनो आप समझ रहे ध्यान से, और ये माइनस है, तो माइनस 3h जब मापांक से बाहर आएगा तो प्लस का 3h अपॉन में कितना है माइनस 3h, तो 3h से 3h कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस 1 हो गया। अब माइनस 1 एक कांस्टेंट वैल्यू, यहां पर लिमिट पुट अप नहीं होगी, तो आंसर कितना होगा इसका, माइनस 1 होगा। समझ के स्टूडेंट्स आप ध्यान से ऐसे निकालेंगे इसका आर एच एल, बिंदु एक्स बराबर 4/3 पर, तो देखिए एफ 4/3 प्लस 0, फिर होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ 4/3 प्लस एच। तो देखिए स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंस टू 0, बताइए यहां पर एक्स का काम कौन कर रहे हैं, 4/3 प्लस एच एक एक्स का काम कर रहे हैं, इसको रखेंगे दायां फलन में, तो यही बायां फलन और यही दायां फलन, तो देखिए मापांक 3 ब्रैकेट में कितना 4/3 प्लस एच और माइनस कितने 4, मापांक क्लोज हो गया बटे, ऐसे ही 3 ब्रैकेट 4/3 प्लस एच और माइनस के 4 हो गए। ओके स्टूडेंट्स तो अब ध्यान से देखना लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, अब इस 3 को अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
फोर प्लस थ्री एच माइनस फोर अपॉन फोर प्लस थ्री एच माइनस फोर। ओके स्टूडेंट्स, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई किया, थ्री से थ्री कैंसिल हो, फोर आ गया, थ्री एच आ गया माइनस के फोर। और देखना प्लस फोर से माइनस फोर कैंसिल, यहां भी कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या आया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखिए ऊपर बच गया थ्री एच का मापांक और नीचे कितना बच गया, थ्री एच बच गया। ओके देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये हो गया थ्री एच बाई थ्री एच, थ्री एच का मापांक कितना होता है, थ्री एच ही होता है, प्लस का थ्री एच था ना, तो ये वैल्यू कितनी कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये वन हो गया और आंसर भी कितना इसका वन आ गया। ओके स्टूडेंट्स समझ गए, इतना थ्री एच से थ्री एच कैंसिल हो गया तो कौन में कितना वन आ गया, और वन क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर लिमिट पुट अप नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से क्या हुआ, चूंकि एल एफ ऐसे कर लो, एफ चार बटे तीन माइनस जीरो नॉट इक्वल टू चार बटे तीन प्लस जीरो। स्टूडेंट्स क्या हुआ, चार बटे तीन पर बाई सीमा बराबर नहीं है दाई सीमा के, अतः क्या होगा, अतः फलन एफ बिंदु एक्स बराबर चार बटे तीन पर संतत नहीं है, अतः फलन जो एफ है वो बिंदु चार बटे तीन पर संतत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स इसको राइट कर लीजिए, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये क्वेश्चन आपको करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 आप टिक कर लीजिए, क्वेश्चन आपको करने है, आपको पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 18 21 22 23, 24, 25, मतलब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप करना जरूर, इनको कोशिश जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर आपने चार बटे तीन पर फलन का मान क्यों नहीं निकाला, स्टूडेंट्स हम वो भी निकाल सकते हैं, ये ना क्या जीरो आता है, निकाल सकते उसको भी हम, लेकिन हमें अब बाई सीमा दाई सीमा से पता चल गया, जब बाई सीमा दाई सीमा के बराबर नहीं है तो संतत तो यहीं पर नहीं है, तो बिंदु पर फलन का मान निकालने की जरूरत भी नहीं है, और आप निकाल भी सकते हैं, आप इस मापांक को तोड़ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स समझ में आ गया, ओके थैंक्स।